तो ये जो फीचर है गाइज वो Redmi Note 9 सीरीज 10 सीरीज 11, 12 इन सभी के लिए <laughs> स्पॉटिव है Redmi Note 13 सीरीज के लिए भी वन कैसे हो मिल चुके गाइज एमआई न्यूज के एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है गाइज और इस वीक बहुत सारे नए अपडेट रोल आउट हुए हैं हाइपरस के न्यू आई फोर्टीन के कुछ नए फोन आने वाले हैं उनकी लॉन्च डेट आ चुकी है सामने हाइपरर्स को ग्लोबल में लॉन्च किया जाने वाला मतलब टेक्निकली एक लॉन्च इवेंट होने वाला है इसके अलावा भी गायस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो की आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि फ्यूचर में भी आपको कमाल की इन्फॉर्मेशन

रोल आउट हो चुका है हाइपरो का जिसका वर्जन है 1.0.1.0 अब आप सभी को पता है कि एक महीने के अंदर इसको ग्लोबल में भी रोल आउट कर दिया जाएगा उसके बाद इंडिया में भी ये अपडेट्स देखने को मिलेंगे इतने नहीं गाइस Redmi K70e या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो Poco X6 Pro 5G के लिए भी पब्लिकली रिलीज कर दिया गया है चाइना में हाइपरवेस का नया अपडेट 1.0.11.0 जो कि अपकमिंग डेज में ग्लोबल और इंडिया में भी देखने को मिलेगा उसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो Redmi 12 4G के लिए रोल आउट कर दिया गया है यहाँ पे रशिया में हाइपरवेस का वन जो कि एंड्रॉइड फोर्टीन बेस्ड है तो इंडिया में भी गायस हम लोग बहुत जल्दी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं Redmi के फिफ्टी आई के लिए मी आई फोर्टीन का अपडेट मी आई फोर्टीन का जीरो पॉइंट एट पॉइंट जीरो का ऑफिशियल इंडियन स्टेबल अपडेट उसके बाद देखने को मिलता है कि Xiaomi Pad 5 के लिए हाल ही में रोल आउट किया गया है चाइना में ही हाइपरवे का पॉइंट जीरो पॉइंट वन पॉइंट जीरो का अपडेट उसके बाद देखने को मिलता है रेडमी नोट ट्वेल्व फाइव जी फाइव जी वेरियंट है तो रशिया में इसके लिए रोल आउट कर दिया गया है वन पॉइंट जीरो पॉइंट फोर पॉइंट जीरो मतलब टेक्निकली थर्ड हाइपरवे अपडेट है, है यूरोप में उसके बाद Xiaomi 13 Pro Global के लिए भी गाय एक नया अपडेट रोल आउट किया गया है हाइपरोस का टेक्निकली हाइपोर के सेकंड रोल आउट होने शुरू हो चुके हैं ऑलमोस्ट इंडिया में ग्लोबल में और चाइना में भी तो इसलिए ये अपडेट देखने को मिला है ग्लोबल में बट पायलट एशर को उसी के साथ Xiaomi 12 Pro को चाइना में गायस एक और नया अपडेट देखने को मिल चुका है अपडेट वन पॉइंट अपडेट पॉइंट टू पॉइंट जीरो शॉमी ट्वेल्प के लिए गाइस ग्लोबल में भी देखने को मिल चुका है 1.0.1.0 इन सभी के लिंक्स अवेलेबल है बाय द वे बट ये ग्लोबल रूम और चाइनीज रूम दोनों अवेलेबल है उसी के साथ रेडी नोट इलेवन फोर जी के लिए गाइजो एम आई पैलेट टेस्ट रोम है वो अवेलेबल करवा दी गई है इनके सेकेंड अपडेट की जिसका वर्जन है वन पॉइंट जीरो पॉइंट टू पॉइंट जीरो अब मैं क्लियर कर दूंगा इस रेडमी नोट इलेवन प्रो और रेडमी नोट इलेवन प्रो प्लस के लिए चाइना में रोल आउट कर दिया गया इनका सेकंड अपडेट HyperOS का 1.0.2.0 का अपडेट वो भी अर्ली एक्सेस के लिए अपकमिंग डेज में इसके ग्लोबल के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा उसके अलावा गाइस कुछ और भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है सामने जैसे कि गाइस Xiaomi Pad 6S Pro को गाइस लॉन्च किया जाने वाला है 22 फरवरी को जो कि आप सभी को पता है कि आने वाली है Xiaomi 14 Ultra के साथ जिसमें आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 8 Gen 2 के की डिस्प्ले देखने को मिलेगी थ्री रिशो टू के आसपास को देखने को मिलेगा इनका साइज 120 सौ वोट की फास्ट चार्जिंग वाई 7 का स्पोर्ट और हाईपरस देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स इतना यहाँ पे देखने को मिलता है नया अपडेट वो आपको देखने को मिला है Redmi 10 5G के लिए तो Redmi 10 5G जिसको Poco M4 भी बोल सकते हो आप लोग उसके लिए MIUI 14 का अपडेट 0.9.0 का अपडेट देखने को मिल चुका है ग्लोबल में Redmi 12 के लिए भी ग्लोबल में अपडेट देखने को मिल चुका है हाइपर और इसका तो आपको मीडियज में, में इंडिया में भी देखने को मिल सकता है और उसी के साथ मार्च मंथ में कौन कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जैसे कि गाइज Vivo V30, V30 Pro, थर्टी प्रो नथिंग फोन टू है, ये आने वाले हैं उसी के साथ Realme 12 Plus और Realme की नोट सीरीज भी आने वाली है उसी के साथ Xiaomi की फोर्टीन सीरीज Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55, Poco X6 Neo आने वाला है OnePlus Nord नोट सी और 5 Lite आने वाला है तो ये फोन मार्च पे लॉन्च होने वाले हैं जिनकी ऑफिशियल लिस्ट आ चुकी है सामने उसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपने के बारे में तो यहाँ पे गाइस कुछ सिस्टम अपडेट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई है जहां पर एमआई गैलरी का अपडेट आया है ऑलमोस्ट सभी शामी रेडमी डिवेज के लिए तो आप लोग अपडेट कर सकते हो रेडमी ट्वेल्व फोर जी के लिए वैसे स्पेसिफिक आया हुआ है उसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में तो सिक्योरिटी ऐप में गाइस एक नया चेंज आ चुका है आपको बैटरी सेक्शन में एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं करंट मोड देखने को मिलते हैं बैटरी प्रोटेक्शन नाम से चीज देखने को मिलती है जो कि आप लोग सिंपली इनेबल कर सकते हो बाकी आपको बैटरी चेकअप तो देखने को मिलता ही था तो ये जो फीचर है वो गायमी नोट नाइन सीरीज टेन सीरीज इलेवन ट्वेल्व सभी के लिए स्पोर्टिव है रेडमी थर्टीन सीरीज के लिए भी और उसी के साथ पोगो के डिवाइसेस के लिए भी गाइस सपोर्टिव है तो ये जो सिक्योरिटी एपीके है गाइस इसको इंस्टॉल करने के बाद एक दिक्कत आएगी कि आपको एक काफी प्रीमियम फीचर जो कि आप सभी को पता है कि स्क्रीन ऑफ करके आप लोग वीडियो प्ले कर सकते थे वो चला जाएगा तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको बैटरी वाला ये फीचर चाहिए देन आप लोग ये सिक्योरिटी एपीके को इंस्टॉल कर सकते हो अदरवाइज आपके फोन से काफी प्रीमियम फीचर चला जाएगा बाकी अगर आपके फोन में वो फीचर नहीं है ना कि आप लोग स्क्रीन ऑफ करके म्यूजिक सुन सकते हो YouTube चला सकते हो तो मैं आपको बता दूगा इस कल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है जहा पे इन लोगों के काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे हैं मोस्टली यूजर्स का इनेबल हो चुका है सिर्फ एक परसेंट हो गए जिनका नहीं हुआ है या फिर उनके फोन में ही नहीं होगा पहले से तो आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो अगर आपको नहीं पता हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो उसके बाद गाइस बात करते नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो शॉमी फोर्टीन सीरीज इंडिया में लॉन्च होने जा रही है सात मार्च को जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट आ चुकी है सामने जिसमें स्पेसिफिकेशन क्या होगी इंडिया के लिए जहां पे आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच की टीसीएल ओ OLED ट्वेल्व बी डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 ट्वेंटी के रिफ्रेश के साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टस होगा 3000 हजार नेट की पीक ब्राइटनेस स्नैप ड्रैगन एट जैन थ्री देखने को मिलेगा फोर एन एम का प्रोसेसर है यू एफ सी फोर पॉइंट ओ स्टोरेज होगी एंड्रॉइड फोटीन और हाइपर उसके साथ आएगा फिफ्टी एम पी का कैमरा होगा गायज वो भी नाइन हंड्रेड ओ एस के साथ फिफ्टी एम पी का अल्ट्रा वाइड और फिफ्टी एम पी का ही टेलीफोटो लेंस होने वाला है काफी धमाल वाली बात है बत्तीस मेगा पिक्सल का फ्रंट और चालीस सौ एम एच की बैटरी बैटरी थोड़ी कम है बट नाइनटी वोट की वायर चार्जिंग देखने को मिलती है और पचास वोट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रही है बहुत बड़ी बात है तो आईफोन को कुछ चीज़ें तो सीखनी चाहिए शावी से उसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा यूएसपी थ्री पॉइंट के जेन वन पोर्ट उसी के साथ आईपी सिक्सटी एट रेटिंग वाई फाइ है एन एफ सी का स्पोर्ट है जी हाँ इंडिया में भी एन एफ सी का स्पोर्ट आ रहा है वैसे काफी सारे शॉम्स इंडिया में नहीं है अगर मैं बजट सेगमेंट की बात करू उसी के साथ ब्लूटूथ फाइव पॉइंट फोर है एट पॉइंट टू एम एम का ग्लास आपको देखने को मिलेगा इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलते हैं ड्यू स्टीर स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे आई आर ब्लास्टर है और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है वो पैंतालीस हजार के आसपास हो सकता है इनके आठ जीबी और दो सौ छप्पन वाले वेरियंट का बाकी जो एक्चुअल प्राइस है वो सात तारीख को पता लग ही जाएगा उसी के साथ नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पे गैस एक और नया सिस्टम आपको अपडेट देखने को मिला है जो कि ऐप का नहीं है एक्चुअली प्लग इन का है तो यहाँ पे आपको सिस्टम सर्विस प्लगइन का अपडेट देखने को मिला है पोको एफ और पोको की सीरीज में तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो वैसे पोको की बात की गई तो पोको एफ फाइव के लिए हाइपर का वन पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री का अपडेट ग्लोबल में रोल आउट कर दिया गया है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो और उसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है सामने की हाइपरवे अपकमिंग डेज में कौन कौन से फोन के लिए लॉन्च होने वाला है इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है हाइपरवे अपडेट जो रोल आउट होने जा रहा है वो सबसे पहले पोको एक्स फाइव जिसके लिए आ चुका है उसी के साथ पोको एम सीरीज शोमी टोलो शोमी प्रो शोमी इलेवन लाइट फाइव जी एनई जिसके लिए चाइना में ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है तो ग्लोबल में भी आ जाएगा दैट्स ये लिस्ट को पे रखा गया है तो इन ट्वेंटी को आने वाले वीक्स में अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं उसी के साथ नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पे गैस रेडमी थर्टीन सी पोको सी पैस के लिए गैस इंडिया में रोल आउट कर दिया गया है वीवाई फोर्टीन का जीरो पॉइंट फोर पॉइंट जीरो का ऑफिशियल इंडियन स्टेबल अपडेट बट बहुत तक चुके हैं बाय द वे उसी के साथ प्रो के लिए इंडिया में जो से अपडेट है आईप्रो इसका वन पॉइंट जीरो का अपडेट जिसका साइज आठ सौ का है वो मैं क्लियर कर दूसरा इसकी रोल आउट हो चुका है पब्लिक तो आप लोग चाहो तो अपडेट कर सकते हो वैसे इसके लिंक्स अवेलेबल करवा दिए मैंने तो आप लोग खुद भी जाकर ट्राई कर सकते हो उसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो पे गाइस नथिंग फोन टू ए, जो इसका एक सब होने वाला है बजट सेगमेंट के लिए नथिंग फोन की तरफ से तो यहाँ पे गाइस उनकी कुछ पिक्स आई है सामने जो की काफी कोर लग रही है देखने में बैक साइड आपको काफी तक वो उनकी जो मतलब हाईलाइटेड पॉइंट है नथिंग का वो देखने को मिलता है लाइट्स उसी के साथ यहाँ पे काफी बेसिक मॉडल है बट लोगों को काफी तक पसंद भी आ रहा है वैसे भी आजकल नथिंग भाई हो चुका है तो भाई के लिए गाइस अब क्या ही बोल सकते हैं हमारे बस के तो है नहीं उसी के साथ गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मिनट के बारे में तो रेडमी नोट इलेवन के लिए ग्लोबल में रोल आउट कर दिया गया है .0 .0 का ऑफिशियल अपडेट जिसका साइज वन पॉइंट वन जीबी है और यहां पे मैं आपको बता दूंगा इसके ग्लोबल में और भी अपडेट आए हैं जैसे पोको एफ फोर के लिए ग्लोबल में रोल आउट कर दिया गया है मी आई फोड इनका जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो का ऑफिशियल ग्लोबल टेबल अपडेट जिसके लिंक अवेलेबल हो चुके हैं और पोको एफ फोर वाले के भी लिंक अवेलेबल हो चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि रियलमी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि आने वाला है मार्च में तो मार्च में वैसे बहुत सारे फोन आ रहे हैं तो रियलमी प्लस की जो लॉन्च डेट है वो आज अनाउंस कर दी है गाइस वो होने वाली है 6 मार्च को तो 6 तारीख को गाइस आ रहा है Realme और 7 को आ रहा है यहाँ पे Xiaomi तो आप पर्सनली किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो गाइस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में